हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एंट्रोपी एंड बोल्ट्जमान स्टैटिक्स। जो हमारा चैप्टर है उसमें हम सबसे पहला जो है टॉपिक है पोस्टुलेट्स ऑफ स्टैटिकल फिजिक्स का हम कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, सिक्स पोस्टुलेट्स को हम यहाँ पर समझेंगे वन बाय वन। तो जो है सबसे फर्स्ट है हमारा यहाँ है आर गैसेस एंड सिस्टम। कंपोज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर इन ए स्टेट ऑफ कॉन्स्टेंट रैंडम मोशन। क्या है, जो भी हम यहाँ सिस्टम लेंगे, ठीक है, जैसे गैस में हमें पता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमेशा मोशंस करते रहते हैं। ठीक है, जबकि जो हम यहाँ सिस्टम लेंगे स्टैटिकल फिजिक्स में, जैसा भी सिस्टम लेंगे उसमें क्या होगा, जो है मॉलिक्यूल्स हैं वो हमेशा मोशंस करते रहेंगे कॉन्स्टेंट। ठीक है, सेकेंड है the total number of molecules in a gas or system is constant। कैसे, अगर मान लो हमारा ये हमारे पास एक सिस्टम है, ठीक है, उसमें हमारे जो है ये क्या है डिफरेंट डिफरेंट सेल है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सेल है और हर डिफरेंट में मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ इसमें मॉलिक्यूल्स हैं, इस तरीके से मॉलिक्यूल्स हैं और ये हमारी क्या है सेल है। ठीक है, ये क्या है पार्टीशन है, उसे जो हमारा सिस्टम है उसको हमने बहुत छोटे पार्टीशन में कर दिया है। अब उन पार्टीशन में भी हमारे क्या है मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे फर्स्ट में मान लेते हैं अगर हमारा N1 है, सेकंड में हमारा N2 है, N3 है, इस तरीके से अगर मानते हैं हमारे जितने भी ये सेल हैं। ठीक है, तो हमारा क्या आएगा, जब हमारा N1 N2 N3 आर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन डिफरेंट सेल्स, सभी डिफरेंट सेल हैं। ठीक है, देन क्या होगा N1 N2 N3, इस तरीके से हम जितने भी मॉलिक्यूल्स का एडिशन करेंगे वो हमारा क्या होगा n कांस्टेंट होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कोई मॉलिक्यूल्स इसमें से खत्म हो जाएगा या कोई बाहर से आ जाएगा, जो मॉलिक्यूल्स हैं सिस्टम के अंदर वो क्या होंगे एक कांस्टेंट नंबर रहेंगे। अगर मान लो 6 है तो 6 है, ठीक है, वो उसमें ये नहीं होगा कि 6 से कम हो गए या 6 से ज्यादा हो गए। ठीक है, तो वो कांस्टेंट ही रहेंगे। इसमें ये हमारा जो है थर्ड पोस्टुलेट है the total energy of the system is constant। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जैसे यहाँ N1 है, ठीक है, N1 molecules हैं, इनकी energy क्या होगी different होगी। उसी तरीके से N2 cell में जो हमारी second cell है इसमें N2 नंबर के मॉलिक्यूल्स हैं और थर्ड सेल में N3, इस तरीके से हैं। तो अगर हम मान लेते हैं कि जैसे इफ U1 इज द एनर्जी ऑफ N1 पार्टिकल्स इन फर्स्ट सेल, ओके, फर्स्ट सेल में है, ठीक है, और इसकी एनर्जी हमने क्या मान ली है U1 मान ली है। ठीक है, उसी तरीके से अगर U2 is the energy of N2 particles in second cell, ठीक है, इसी तरीके से हमने इसकी क्या मान ली U2 मान ली। ठीक है, और इसी तरीके से हम क्या करेंगे N3 की U3, ठीक है,
और हम इसी तरीके से लिख सकते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, तो जो हमारी टोटल एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी ऑफ दी सिस्टम इज, अब देखो इसमें जो एक मॉलिक्यूल की एनर्जी है वन सेल में, ठीक है, वो यू वन है, तो एन वन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या होगी, एन को यू वन से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसी तरीके से एन टू यू टू, इस तरीके से जो हमारे लास्ट तक है सेल तक ले जाएंगे, और उसके बाद जो हमारी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, कॉन्स्टेंट वैल्यू रहेगी। ठीक है, ना तो ऐसा होगा एनर्जी कम हुई है ना ही ज्यादा होगा, जो हमारा सिस्टम है उसके अंदर सेम ही एनर्जी रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट है, फोर्थ स्टेप है इन फेस फेस ऑल दी एलिमेंट्री सेल आर ऑफ दी सेम साइज, या फिर हम इक्वल साइज भी कह सकते हैं। ठीक है, कैसे, अभी आपने देखा मैंने अभी ये डायग्राम बनाया, इसमें क्या है सेल का जो हमारा साइज है, ठीक है, वो सेम है, पर उसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, पर इन सभी के जो सेल्स हैं उनका साइज क्या होगा, सेम होगा। तो यही हमारा क्या है, फोर्थ पॉस्टुलेट है। आगे फिफ्थ में द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स दैट आर इक्वली लाइकली टू अकर आर इक्वल। ये स्टेप हम किस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे आपने एक डाइस देखी है, ठीक है, उसमें हमारे क्या होते हैं, सिक्स फेजेस होते हैं डाइस के, और सारे क्या होते हैं, सारे फेजेस इक्वल इक्वल होते हैं। जब भी हम थ्रो कर सकते हैं, तो मान लो ये आ गया या फिर ये आ गया या ये वाला फेस आ गया, ठीक है, जब भी हम इसे ऊपर से थ्रो करते हैं तो कोई ना कोई एक फेस आएगा, ठीक है, और सभी के आने के चांसेस सेम होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी भी सभी की सेम होती है। जैसे कि हम अगर हमारा जैसे वन है यहाँ, ठीक है, तो वन के आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है, और अगर फाइव भी आता है तो भी उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है, इस तरीके से इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या है, इक्वली लाइक, ठीक है, तो हमारी क्या होगी, उनकी प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी। अगर जैसे अब हम क्या करते हैं, इक्वली ना हो, हमारा किस तरीके से होगा, जैसे हमारे पास एक इरेजर है, ठीक है, इरेजर में अब क्या है, जब हम गिरेंगे तो इसमें क्या होगा, ये चांसेस ज्यादा होंगे और एक चांसेस ये ज्यादा होगा, ठीक है, इन दोनों के चांसेस ज्यादा होंगे और इसके चांसेस और इसके चांसेस कम होंगे, और सबसे कम चांसेस इधर के साइड की उधर के साइड के होंगे, तो क्या हुआ, सभी की प्रोबेबिलिटी आने के जो है एक दूसरे के बराबर नहीं है, ठीक है, एक लाइक नहीं है, एक जैसे नहीं है, तो क्या हुआ, इनकी प्रोबेबिलिटी भी सेम नहीं है। ठीक है, या तो इस तरीके से आएगी या फिर दूसरे साइड से आ सकती है, ठीक है, चांसेस कम है कि ऐसे आए, ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी इस टाइम पर क्या होगा, ना के बराबर होगी। ठीक है, तो हमें क्या होगा, इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि इक्वली लाइक किस तरीके से होगा। ठीक है, नेक्स्ट है जो हमारा सिक्स है, लास्ट है पोस्टुलेट द इक्विलियम स्टेट ऑफ ए सिस्टम टू स्टेट ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। किस तरीके से, जब किसी भी स्टेट की, ठीक है, जो हमारा सिस्टम है उसमें उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे मैक्सिमम कब मिलेगी, जब वो हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट में वो हमें हमारी सबसे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी उसकी मिलती है, जैसे ये इसकी इक्विलिब्रियम स्टेट है, ठीक है, इनमें ही ज्यादा हमें क्या होगा, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसी की ज्यादा होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये सिक्स स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको सभी अच्छे से स्टेप्स समझ में आए और आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।